बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिशियन कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ। में आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट नंबर 5 वीक 10 में सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ये चेक करेंगे, और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सीलिंग फ़ैन को कनेक्शन किस तरह किया जाता है और उन कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसके कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं और इसको फॉल्ट्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वीडियो के शुरू में आपको आज असेसमेंट नंबर 5 वीक 10 में जो हम लेते हैं उसके बारे में बताया था। सीलिंग फैन के हम कनेक्शन करेंगे, इसमें हम ये चेक करेंगे कि सीलिंग फैन के कनेक्शन कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उसको कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जैसे मैंने कुछ ड्राइंग सादा सी ड्रा की है, कोई भी सिंगल फेज मोटर या हम सीलिंग फैन या टेबल फैन या एग्जॉस्ट फैन कोई भी है, उससे कनेक्शन तकरीबन सेम ही होता है। अभी जो मैंने कनेक्शन आपको ड्राइंग की हुई है, ये सीलिंग फैन की कनेक्शन है। तो इसमें मैंने आपको दो तरह की वाइंडिंग बताई हुई है, जैसे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग इसमें होती है मौजूद, ठीक है। और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये ज़रा देखिए। इन दोनों रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक जो एक तरफ है, जैसे ये टर्मिनल है टर्मिनल 1 और टर्मिनल रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल 1, इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन पॉइंट बना लिया जाता है जिसे हम CP के नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल और रनिंग वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल, ये जो दो बच जाते हैं इनके दरमियान में हम कैपेसिटर लगाकर उसके कनेक्शन दिए जाते हैं। अब कैसे चेक करते हैं कौन सी रनिंग वाइंडिंग है कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका तरीकाकार सबसे जो आसान तरीका है वो इसका सीरीज लैंप है। सीरीज लैंप से हम चेक करते हैं कौन सा पॉइंट रनिंग वाइंडिंग वाला है, कौन सा पॉइंट स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला है और कौन सा पॉइंट कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इन तीनों के जो टर्मिनल हैं वो अलग अलग होते हैं, तीनों की मखसूस रोशनी होगी जिससे हम ये वाजह करेंगे कि कौन सा पॉइंट या कैपेसिटर किससे ज़्यादा लगेगा और कौन सा कॉमन टर्मिनल है। तो इसके लिए चलने के लिए हमें प्रैक्टिकल की तरफ जाना पड़ेगा। तो सीलिंग फैन के कनेक्शन के लिए हमें चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हमारे पास टेस्टर मूवर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर या इंसुलेटर मूवर, कटर वगैरह, इसके साथ साथ हमारे पास सीरीज सप्लाई मौजूद होनी चाहिए, उसके साथ टर्मिनल होने चाहिए जिसे हमें चेक कर सके, और हमारे पास एक जो सबसे अहम चीज सीलिंग फैन होना चाहिए। ये सीलिंग फैन तीन तारे, कोई भी आप सीलिंग फैन लेंगे तो तीन तारे वायर तीन होंगी। अब हमने इससे मालूम करना है सीरीज लैंप से कि कौन कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन सी रनिंग वाइंडिंग है और कौन सा हमारा कॉमन पॉइंट है। तो सीरीज लैंप करना है कि कौन सा इसमें रोशनी तीन तरह की आएगी, एक ज्यादा रोशनी होगी, एक दरमियानी और एक कम। अब मैं दो टर्मिनल के दरमियान देखता हूँ कौन सी रोशनी है, जैसे मैं ये टर्मिनल और ये देखता हूँ तो ये एक रोशनी है, ठीक है जी। ये तार होती है, ये तार के दरमियान देखें ये दूसरी रोशनी है, और ये तार और इस तार के दरमियान देखेंगे तीसरी रोशनी है, ठीक है जी। अब ये देखें ये जो रोशनी है ये दो टर्मिनल के दरमियान ये सबसे कम रोशनी है, इन दो टर्मिनल के दरमियान ये देखें ये ज्यादा रोशनी है, और इस दो टर्मिनल के दरमियान ये सबसे ज्यादा रोशनी है, ठीक है। जो ये सबसे ज्यादा रोशनी है ये हमेशा हमने माइंड में रखना है। अब ये देखें ये और ये जो है सबसे कम रोशनी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के दरमियान की है, यानी कि अगर मैं आपको ड्राइंग की तरफ लेके जाऊं तो इन दो टर्मिनल के दरमियान, यानी कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहां पर जब मैं लगाऊंगा सीरीज बोर्ड सीरीज लैंप को तो सबसे कम रोशनी होगा, ठीक है। ये होगा ये और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के ये वाले जो टर्मिनल होंगे, ये वाला हमारे पास सबसे कम रोशनी होगी। वो जो तीसरा बच जाएगा वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जो तीसरा बच जाएगा, जैसे बता रहे हो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल हम जब मिला रहे हैं तो इसमें सबसे कम रोशनी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास
स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपनिंग वाइंडिंग मतलब, और इसके बाद ये तो बन जाता है ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो जिन के दरमियान में सबसे कम रोशनी है हमने इसके दरमियान में लगा देना है कैपेसिटर, ठीक है। अब ये जो दो टर्मिनल हो गए ये हमारे कैपेसिटर वाले हो गए। अब मैंने मालूम करना है कि सबसे ज्यादा रोशनी कौन सी है, तो मैं चेक करूंगा ये देखिए माइनस होगी, एक ये रोशनी है और एक ये रोशनी है। तो ये वाली जो रोशनी सबसे ज्यादा वाली रोशनी ये जनाब कॉमन पॉइंट और रनिंग वाइंडिंग वाली है, कॉमन पॉइंट सीपी और रनिंग वाइंडिंग वाली जो रोशनी है टर्मिनल है वो, और जो दरमियानी रोशनी है जैसे ये वाली है ये हमारी कॉमन पॉइंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग वाली रोशनी। चले अब ये देखें सबसे ज्यादा जो रोशनी होगी मैं फिर बता रहा हूँ कॉमन पॉइंट और रनिंग वाइंडिंग की, ये टर्मिनल को ठीक है जी, ये रनिंग वाइंडिंग और ये कॉमन पॉइंट, इसके दरमियान सबसे ज्यादा रोशनी कॉमन पॉइंट और स्टार्टिंग दरमियान में ये वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये दरमियानी रोशनी और इन दो टर्मिनल के दरमियान सबसे कम रोशनी, ठीक है जी। अब जब हमने लगा देना है कैपेसिटर तो उसके बाद जो रनिंग वाइंडिंग वाला टर्मिनल है यहां से तार लगाकर हमने सप्लाई को दे देनी है और कॉमन पॉइंट वाली न्यूट्रल दे देनी है, कनेक्शन चलेगा। अभी मैं कनेक्शन करता हूँ फिर चला देखता हूँ कि कनेक्शन सही हुए या नहीं जी। मैंने अब कनेक्शन कर लिया, मैं चेक करता हूँ कैपेसिटर लगा दिया हुआ है, इसकी सप्लाई की तारें मैंने निकाल दिया, चेक करता हूँ ये कनेक्शन सही भी हुआ है नहीं। अब मैं चलाऊंगा झटका लाऊंगा सीरीज बोर्ड से, सीरीज बोर्ड की सप्लाई से इसको सिर्फ झटका लेके चेक करूंगा कि ये सही है या नहीं। तो मैंने दिया ये देखिए ऊपर से देखने में सीलिंग फैन ने क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन हमारे बिल्कुल ठीक है। तो चेक करने में सबसे आखिरी बात ये है कि जब भी हम कनेक्शन करें सीरीज बोर्ड से इसको चेक करें कनेक्शन दें, अगर इसको ऊपर से देखते हुए सीलिंग फैन क्लॉकवाइज घूम गया घड़ीवार घूम गया तो कनेक्शन सही है, अगर एक गैर घड़ीवार ऊपर से देखने से घूम गया तो फिर आपका कनेक्शन गलत है। तो आप कनेक्शन बिल्कुल इसी तरह करेंगे तो आप सीलिंग फैन कनेक्शन ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आप कनेक्शन समझने में आसानी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।